हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम आए हैं रानीपुर झरिया। तो दोस्तों आज हम रानीपुर झरिया घूमते हैं, और मैं तो यूट्यूब से देखा था कि बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए, तो सोचा था मैं भी देख के एक बार आऊँ। तो आज मैं पहुँच चुका हूँ। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि क्या क्या अभी है, और पहले क्या क्या था तो मुझे पता नहीं। तो मैं यूट्यूब से देखा था बहुत कुछ था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चोटी दुनिया का जो है यहाँ पे मंदिर है। तो छत नहीं है, ये खुला आसमान का मंदिर है। तो अभी गेट से हम एंटर करते हैं और देखते हैं क्या है। तो चलिए देखते हैं कुछ इस तरह है अंदर जाने का रास्ता। रास्ते में जाने के बाद देखिए दोस्तों कुछ इस तरह है। चौसठ दुनिया का जो रहते थे जो जुड़ने सब यहाँ पर लगे हैं, और साथ में गेट लगा दिया है कि यहाँ का जो मंदिर का जो मूर्ति था सब चोरी हो गया ऐसा लगा था। तो देखते देखिए कुछ इस तरह यहाँ पे लगा है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने के बाद में, तो आपको भी मज़ा आने वाला है। तो आप देखिए, मैं तो घूमने आया था तो बहुत सारा दुख हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार देखना है ऐसे भी देखते ही जाएंगे। तो चलिए आप भी देखते हैं। तो यहाँ हम देख के तो बाहर आ चुके हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे पत्थर पे एक मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे भी एक मंदिर है देखिए, और साथ में बगल में एक तालाब है जहाँ से बहुत अच्छा पानी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे है चक्रव्यूह, देखिए कुछ इस तरह इन्हें यहाँ से बनाया है छोटे छोटे पत्थर से। लोग यहाँ पे अभिमन्यु जो थे चक्रव्यूह में फंस गया था, ऐसे करके यहाँ बनाया। मुझे तो ज़्यादा मालूम नहीं है। यहाँ पे देखिए इस तरह दोनों बनाया है, एक बगल में और दोनों साइड में दो बनाया है। तो साथ में अभी हम देखते हैं और क्या क्या है, और चलिए आप लगाते हैं। तालाब के रास्ता की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि और थोड़ा आगे और भी और कुछ मंदिर है। तो देखिए मैं जिम करता हूँ, तो कुछ तरह देखिए यहाँ पे एक और भी मंदिर है पत्थर से बनाया। तो हम इस रास्ते से जाने वाले हैं, तो अब हम चलते हैं और जाएंगे देखेंगे। तो देखिए मैं पूरा लगता हूँ पत्थर ही पत्थर है दोस्तों। यहाँ पे जो तुलसी का पेड़ है हमारा, तो हम फाइनली अब यहाँ पे मंदिर के पास में पहुँच चुके हैं दोस्तों। और पास चलते हैं देखिए कुछ इस तरह यहाँ से मंदिर से, देखिए सब पत्थर से बना हुआ है। देखिए बहुत बहुत मंदिर है। दोस्तों आप जो भी आए अभी घूमने आओगे तो साथ में एक पानी का बोतल लेके जरूर आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है। जिस तरह यहाँ पे और यहाँ पे एक कुंड बना हुआ है, और बगल में और भी मंदिर है, बहुत सारा मंदिर है देखो। सात पत्थर में बना हुआ है, तो हम यहाँ पे चलते हैं। जिस तरह अरे बात दोस्तों, यहाँ पे है एक पेड़ जहाँ पे फुआर का पेड़ है, यहाँ पे मन्नत मांगने के लिए घर बांधना पड़ता है। तो हम तो कोई मन्नत नहीं मांगे, ठीक है कुछ लोग आए थे मांगने के लिए। यहाँ पे दोस्तों रहने के लिए कुछ तरह बनाया है विराम का, और साथ में ठीक है ये है हरण महादेव का मंदिर, और साथ में एक छोटा सा मंदिर है, ये है हरण महादेव का मंदिर, और बगल में ही देखिए माँ चंडी का मंदिर है। ठीक है जय माँ चंडी, वहाँ पे ताला लगा है। हम 12 बजे पहुँच चुके, तो सब ताला लगा है, यहाँ पे भी ताला लगा है। मंदिर के अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि ताला है, बाहर से हम घूम के। यहाँ पे एक दो मंदिर है, यहाँ पे भारी का एक मंडप है।
के स्ट्रीट लाइट है भी यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे एक मजेदार चीज है, देखिए आपको दिखाते हैं, एक गुम्फा है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये जो ट्री लाइट है इसके बगल में है, तो ऐसे एक सीढ़ी बना हुआ है, तो नीचे हम जाएंगे। नीचे जाने के बाद एक देखिए एक मंदिर है, मंदिर को बाद में जाते हैं, एक हम आगे गुम्फा देखते हैं। पत्थर से जो गुम्फा बनाया है, काफ़ी पुराना गुम्फा है, तो कम से वो भाई यहाँ पे क्योंकि क्या है क्या नहीं हमको पता नहीं, मंदिर से हम सकते हैं। तो अंदर जाने के बाद देखिए मंदिर के अंदर में ऐसा कुछ है, और देखिए और हम अभी देखिए कुछ इस तरह मंदिर है, बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एक अमृत धारा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।